मेष राशि, यह दिन संभल के चलने का है। मित्र और धन ये आपका साथ नहीं दे सकेंगे आज। अपनी मेहनत से आज आपको कुछ अचीव करना है, कठोर श्रम करना होगा, धैर्य रखना होगा, तब आपके कार्य बनेंगे। पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। इस दिन आप एक अलग सी दुनिया में होंगे। आपके अंदर कहते ना उद्देश्य प्रबल होगा, आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। इस दिन अर्गला स्त्रोत का पाठ अवश्य कर लें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, वक्त आपके लिए शनि शनि बेहतर होगा, धीरे धीरे बेहतर होगा। यह दिन थोड़ा सा कष्ट देगा मित्रों की ओर से, स्वास्थ्य की ओर से, घर के लोगों की ओर से, लेकिन शाम तक आते आते आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, थोड़ा उनका ध्यान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। और हाँ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आज। कर्क राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, उत्साह है आपके मन में, आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, आपकी सेहत दुरुस्त होगी। आपके शरीर में यदि कोई रोग जो आपको परेशान कर रहा था, उसका निवारण पता लगेगा और आप बेहतर स्थिति में चल सकते हैं। आज रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। चावल का दान जरूर कर देना। सिंह राशि, गुस्से की वजह से परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है, सकारात्मक रवैया रखिए और एकदम किसी पर गुस्सा मत कीजिए, चुड़चुड़ाइएगा नहीं। इस दिन नकारात्मक नहीं रहना, मेहनत से अपना कार्य करिए। यदि आपका कोई काम अटका हुआ है, दोपहर बाद पूरी ताकत के साथ उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सूर्य को जल दीजिए और कुछ मिठाई गरीब लोगों में बांट दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, जम के मेहनत कीजिए। हाँ, धन देने या लेने में जल्दबाजी मत दिखाइएगा, बस इतना सा प्रिकॉशन है, बाकी ये दिन कुल मिला के अच्छा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस दिन एक ध्यान रखना है, भाई बहन या भाभी से आपका झगड़ा या मन मुटाव ना हो जाए, अन्यथा भाग्य पक्ष भी कमजोर पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, बुम बुद्धाय नमः का जप करें और चाय पत्ती का दान कर दें आज, फिर प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तुला राशि, यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन आपके द्वारा कही गई बात का बहुत बुरा असर हो सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन धनादि की स्थिति के लिए, प्रमोशन की स्थिति के लिए, जॉब के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा दिन है। एक छोटा सा उपाय कर दें, इस दिन थोड़ा सा गुड़ और जल लेकर अपना दिन शुरू करें। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यद्यपि कुछ चिंताएं जरूर रहेंगी, लेकिन दिन फिर भी ठीक है। संध्या के बाद, शाम के बाद थोड़ा मन खिन्न या उदास हो सकता है, लेकिन फिर भी समय अच्छा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य का लबत्ता, उसमें भी विशेष रूप से पेट का ख्याल रखें, अरहर की दाल का दान जरूर कर दें। धनु राशि, समय प्रतिकूल कहूंगा, इस दिन लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इस दिन आपसे कुछ गलत कार्य हो सकता है, कोई कीमती चीज खो सकती है, इसलिए पूरा दिन आपको अलर्ट रहना होगा। ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इसका जप कीजिए। मैं ब्रह्म नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म कह रहा हूं, PRM ब्रह्म इसका जप कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आप संभल के चलें। इस दिन खास तौर से जब आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी वाहन चला रहे हो, तो संभल के चलें। बाकी धनादि पक्ष के लिए ये दिन ठीक है। विद्यार्थियों को तो इस दिन खूब पढ़ना चाहिए, इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट से आपको बहुत लाभ होगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर दें, उड़द की दाल का दान अवश्य करें। कुंभ राशि, समय अच्छा है, बस एक छोटा सा निवेदन है, इस दिन न धन दे न धन लें। शम शनिश्चराय नमः का जप करें, दिन शुरू करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे।
मीन राशि, यदि कोई बड़ी चीज खरीदने आप जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर खरीदिएगा, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। कोशिश करें इस दिन ना कुछ खरीदें। तो बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और अपने हाथ से दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज बुजुर्गों को देकर फिर अपना दिन शुरू कीजिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।